तो हम बात कर रहे हैं आज एक्सेल के बारे में। हम एक्सेल को आपको इंट्रोड्यूस करेंगे। सबसे पहले जानिए कि एक्सेल है क्या। एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। एक्सेल जस्ट लाइक ए डिजिटल रजिस्टर। जब आप 20 साल 25 साल पहले पुराने में जाएं, तो वहां पे क्या होता था? तो कभी ये एडवांस तो नहीं था सब। एक्सेल नहीं था उस समय। एक्सेल नहीं था उस समय, क्या चलता था? रजिस्टर चल रहा करते थे। बड़े बड़े मोटे मोटे हाँ रजिस्टर हुआ करते थे, जिसमें हाँ एंट्री वही। होती थी। हाँ सारी हाँ एंट्री जो लिखा होता, जाता इन था। आउट जो होता, उसी में हाँ एंट्री होती थी। तो जो हाँ डिजिटल रजिस्टर था, वो ही समझिए एक तरह से आपका एक्सेल हो गया। अब वो सारी चीजें एक्सेल मोस्टली जगहों पे एक्सेल में हुआ करती है। है, तो एक्सेल के थ्रू हम क्या एक्सेल। क्या कर सकते हैं? तो हम सिंपल से बात करें, हम एक्सेल के थ्रू हम डेटा एंट्री कर सकते हैं, डेटा मैनेजमेंट, जी अकाउंटिंग, फाइनेंशियल एनालिसिस, चार्टिंग एंड ग्राफिंग, प्रोग्रामिंग विद चार्टिंग VBA, टाइम मैनेजमेंट, टास्क कस्टमर मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मॉडलिंग, कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट, एंड मैनेजमेंट ऑलमोस्ट वो सारी चीजें जो ऑलमोस्ट आपके रिक्वायर्ड होती है। फिर जी भी हम इसको चार अलग अलग कैटेगरी में बांटते हैं कि एक्सेल के यूज जो है चार अलग अलग कैटेगरीज में है। सबसे पहला, डेटा स्टोरेज। हम किसी डेटा को एक्सेल में स्टोर करते हैं, बट ध्यान रखिएगा कि हम किसी भी तरह की डेटा एंट्री नहीं करते एक्सेल में। सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं गलत बोल गया, मेरी माफी। किसी भी तरह का, मतलब एक्सेल को किसी भी तरह का डेटाबेस नहीं बनाते, क्योंकि जी एक्सेल सर। डेटाबेस के नियमों को फॉलो नहीं करता है। आप बोले सर डेटा एंट्री करते हैं, डेटाबेस नहीं बनाते हैं, क्या बात हो गई? देखिए क्या होता है, एक्स डेटाबेस जब बनती है तो बहुत सारी चीजें चाहिए होती है जो चीजों को एक्सेल फुलफिल नहीं कर पाता है। जैसे मैं राइट क्लिक करके मैं प्रोटेक्ट शीट करता हूँ, और शीट में पासवर्ड डालता हूँ, तो पासवर्ड डालते ही कंफर्म पासवर्ड में यहाँ माइक्रोसॉफ्ट क्लियर कर रहा कि यू लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड, इट कैन नॉट रिकवर। इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड, इट कैन नॉट बी रिकवर। ठीक है, तो आप इसको रिकवर नहीं कर सकते किसी भी तरह से करेंगे, तो आपका पासवर्ड रिकवर नहीं होगा। ठीक है, सर अब जाहिर सी बात है, पासवर्ड तो भूलते रहते हैं। हमने डेटाबेस बनाया, पासवर्ड डाला, भूल गए, गई डेटा क्या? तो अब कहने का सर मतलब है कि अगर हम इसको डेटाबेस नहीं बना सकते हैं, तो हम किस तरह की एंट्री करेंगे? हम एंट्री करते हैं डेटा की मिसलेनियस डेटा। जैसे आप अकाउंट में हैं, आप टैली, आप फीको, सैप, बीजी, बहुत सारे सॉफ्टवेयर से इसका यूज करते हैं, फिर भी आप कुछ कुछ एंट्रीज के लिए एक्सेल का इस्तेमाल करेंगे, जैसे कि पेटी कैश, ऑफिस की छोटे मोटे खर्चे। अब 2 रुपए की फोटो स्टेट कराई है, इसके लिए अपने टैली में लेजर क्रिएट थोड़ी करेंगे। ठीक है, हाँ सर तो ऐसे केसेस भी हम क्या करते हैं, एक्चुअली ऐसे केसेस भी सारी इंफॉर्मेशन एक्सेस में रखते हैं। SME, शॉर्ट मीडियम एंटरप्राइजेस, ऐसे छोटे मोटे उद्यमी मेरे जैसे, जिसके पास डेटा की काउंट कम है और बड़े बड़े डेटा हाउस को डालना पॉसिबल नहीं है, तो ऐसे जो ऐसे में क्या होता है कि हम एक्सेल में पूरी की पूरी सिस्टम करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल में दिखाऊं मैं आपको, इस जैसे एक एग्जाम्पल दिखा सकता हूँ, यहाँ पे लोन समरी करके एक हमारे पास भी जस्ट मैंने बनाया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे कोई प्रोडक्ट को सेल किया, किस पे? EMI पे। प्रोडक्ट की MRP, डिस्काउंट प्राइस सेलिंग आ गए, कितना डाउन पेमेंट किया, कितना फाइल चार्ज लगा, लोन अमाउंट टोटल कितना हुआ, कितना परसेंट का रेट लगा, कितने महीने की EMI बनी, टोटल EMI कितना हुआ, ड्यू डेट कब पड़ा, और जब भी EMI आएगा तो ये जमा यहाँ इस वाले शीट पे जमा करेंगे। ठीक है, रिकवरी, हम यहाँ पे कोई भी जी ड्यू डेट डालेंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि इस डेट को किस किस से पैसा लेना है। कस्टमर स्टेटमेंट, किसी भी कस्टमर का आईडी यहां डालेंगे तो उससे रिलेटेड सारी चीजें यहां पे मुझे दिख जाएगी।
कि इसका कितना शेड्यूल ईएमआई हुआ है, ठीक है, कितना शेड्यूल हुआ हाँ ईएमआई, सर, और क्या कितना उसने पे किया, कितना पे बैलेंस किया है, बचा हुआ, बचा हुआ है। पूरा स्टेटमेंट निकल जाएगा। स्टॉक इन मतलब एक हाँ पूरा का पूरा सिस्टम जो है ये एक्सेल के थ्रू ही चल रहा है, इसके लिए कोई और जरूरत नहीं है। तो ये हमारा जी एसएमई सर, के थ्रू होता है। फिर आता है एनालिटिक्स डेटा। जब कोई रिपोर्ट को एनालाइज करते हैं उस केस में उसका डेटा कहीं ना कहीं रखना होता है। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने एक रिपोर्ट बनाया, आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे हाँ सेल्स सर, कंपेयरिंग रिपोर्ट बनाया है 4 ईयर वाइज, ठीक है। अब हाँ सर, जब भी हम यहाँ पे ईयर चेंज करते, मैंने 2020 किया तो पूरा 2020 का डेटा आ गया, 20 या 21 करूंगा तो 2020 और 21 का डेटा दिख रहा है। वो तो कहने मतलब जो हाँ रिपोर्ट सर, चेंज हो रही है, रिपोर्ट के लिए बैकएंड में ये रहा डेटा, हाँ सर, ठीक है। तो रिपोर्ट के हाँ बैकएंड में डेटा रहा जिससे ये पूरा चेंज हो रहा है, अपने आप को चेंज कर रहा है, चेंज हो रहा है। ठीक है। तो ये चीजें एनालिटिक्स से होती है। तो अच्छा हम कह सकते हैं कि डेटा जो स्टोर करते हैं मिसलेनियस एसएमई और एनालिटिक्स डेटा को इंस्टॉल ये करते हैं, एनालिटिक्स अलर्ट, डेटा को स्टोर करते हैं। फिर आती है कैलकुलेशन। कैलकुलेशन के लिए एक्सेल सबसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। एक्सेल सबसे परफेक्ट परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। सॉफ्टवेयर है। क्यों, इसके पीछे क्या रीजन है? तो इसके पीछे रीजन ये है कि जब भी हम कोई एक्सेल फाइल लेते हैं और उसमें कैलकुलेशन करते हैं तो फिल टू फिल कैलकुलेशन होती है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए कि क्वार्टर वन क्वार्टर टू है, मुझे इसकी ग्रोथ रेट चाहिए, तो ग्रोथ रेट में हमने यहाँ पे फॉर्मूला लगा दिया कि लेटेस्ट माइनस ओल्डेस्ट डिवाइड बाई ओल्डेस्ट। ये सारी मैथमेटिकल ऑपरेटर का इस्तेमाल करके हम किसी भी तरह की कैलकुलेशन कर सकते हैं। उसके अलावा कैलकुलेशन करने के लिए मेरे पास यहाँ बहुत सारे फॉर्मूले हैं जो हम कर सकते हैं, अच्छा ठीक है। तो बेसिकली ये हमारा कैलकुलेशंस के लिए यूज किया जाता है। कैलकुलेशन, उसके बाद आता है डेटा एनालिसिस एंड रिप्रेजेंटेशन। आपको अगर डेटा एनालाइज करके कोई इंफॉर्मेशन निकालनी हो, कंपेयरिंग करना हो, या किसी तरह की चीजें चाहिए तो आप यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं। जैसे ये देखिए कि मेरे पास ये डेटा है, इसके ऊपर मुझे एनालिसिस करके एक रिपोर्ट बनानी है। तो ये रहा डैशबोर्ड जिसमें हम क्लियर देख सकते हैं कि सेल्स क्वालिटी क्वांटिटी कितना हुआ, एवरेज एमआरपी कितना हुआ, सेल्स मंथली का क्या फ्लो है, फ्लो देख पा रहे हैं आप। तो हाँ ज्यादा केस सर, हमारा ऊपर नीचे नहीं गया है, सिमिलर से एक ही वे में चल रहा है। उसके बाद स्टॉक अवेलेबल कितना है, कितना परसेंट स्टॉक अवेलेबल है, टोटल सेल हुआ है उसमें कितना परसेंट सेल कहलाएगा, कितना परसेंट रिटर्न हुआ, रिटर्न रेट कितना रिटर्न है, हुआ है 40% का रिटर्न रेट है। जी सर, और आप देख सकते हैं कि आप ये अप हो रहा है क्योंकि हाँ सर, हमारा 30% से ज्यादा रिटर्न नहीं होना चाहिए। स्टॉक नहीं होना क्या चाहिए। अवेलेबल है, मंथ वाइज सेल है, तो ये सब एनालिसिस हम इजीली देख पा रहे हैं। कैसे देख पा रहे हैं? हम देख पा रहे हैं क्योंकि हमने डेटा के अकॉर्डिंग एनालिसिस करके निकाला। तो एनालिसिस करने के लिए सर, हमारा सबसे परफेक्ट सॉफ्टवेयर है। फिर आता है सीआर डेटा। देखिए एनालिसिस के लिए जो मैंने अभी बताया उसके लिए आप देखेंगे तो पावर बीआई भी एक अच्छा सॉफ्टवेयर है जिससे एनालिसिस करते हैं। टैबलू भी इस का सॉफ्टवेयर, इसके जरिए हम एनालिसिस करते हैं। जी पर सर, प्रॉब्लम क्या होता है कि अगर हमने पावर बीआई लिया या फिर मैं टैबलू लिया तो क्या होगा कि आपको रिपोर्ट जो बनेगी वो टैबलू या पावर बीआई की फाइल बनेगी। और मैंने किसी को मेल किया तो पर्सन जो देखेगा तो उसके पास भी टैबलू या पावर बीआई होना चाहिए, अच्छा तभी देख पाएगा, अदरवाइज तो देख नहीं पाएगा ना सर। जी सर, तो आपकी एक रिपोर्ट देखने के लिए कोई 25 MB, सॉरी 250 MB का, 225 MB का, 500 MB का फाइल डाउनलोड थोड़ी करेगा, नहीं। सॉफ्टवेयर थोड़ी डाउनलोड करेगा, और हर कोई डाउनलोड भी नहीं कर हाँ सकता। तो एक्सेल जो है जी इसमें शेयर डेटा सबसे इंपॉर्टेंट आता है, क्योंकि हम जब डेटा शेयर करते हैं तो हम इंश्योर होते हैं कि हाँ कोई भी पर्सन हमारे इस रिपोर्ट को तो देख ही सकता है। जैसे देख ही कि सकता है। कोई जैसे कि कोई अगर आपका बाहर के थर्ड पार्टी है तो उसके पास एक्सेल तो होगा ही होगा। एक्सेल नहीं होगा तो एक्सेल की सैमफनी ओपनआरजी होगा, कुछ भी नहीं होगा तो गूगल सीट तो होगा ही होगा, ठीक है।
तो हम मेनली चार स्तर का जी इस्तेमाल करते हैं, स्टोर द डेटा, कैलकुलेट द डेटा, एनालाइज एंड रिप्रेजेंट द डेटा एंड शेयर द डेटा। शेयर डाटा, ओके, यस सर। अब बात करते हैं कि एक्सेल 2021 जो ऑफिस 365 उसमें नया क्या है। उसमें एक्स लुकअप, लेट फंक्शन जैसे बहुत सारे न्यू फीचर्स है। इसमें क्या क्या नया है आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपको दिख जाएगा। जी सर, ठीक है, तो इसको आप एक बार स्टडी कर लीजिएगा कि क्या नया है। हाँ सर, आप मुझे भेज देना हाँ, उसके फाइल भेज लिंक। दूंगा मैं आपको। फिर आता है सैंपल कि किस तरह हाँ की सर, रिपोर्ट्स, अब दो तीन तो दिखा, इसके अलावा और भी स्क्रीन शॉट में यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये सारी रिपोर्ट्स हम इजिली हाँ सर, एक्सेल में बना सकते हैं इस तरह की बना रिपोर्ट, सकते हैं। और हम बनाएंगे भी। बहुत सारी रिपोर्ट जी बनाए, आपने सर, देखा, एक रिपोर्ट देखा ही था आपने कि कैसे बनाए, तो उसी हाँ तरह से सर, सारी रिपोर्ट्स हम यहाँ बनाएंगे। अब बारी आती है कि जॉब, कि अगर आप सीख लेते हैं तो किस तरह की जॉब आपको मिलेगी। हालांकि मैं जॉब के लिए किसी को ऐसा नहीं कहता है कि मैं आपको इतने हजार का जॉब लगा दूंगा, आपको 100% जॉब दे दूंगा, क्योंकि मेरी मेरा फोकस होता है आपकी आपको नॉलेज बनाने, नॉलेज देने पे, आपको उस लाइफ बनाने के लिए, ताकि आप जॉब के लिए कहीं आप कह नहीं। कहा जाता है, कहावत है ना कि बेटा काबिल बनो, कामयाबी तो चक मार के आएगी। हाँ अगर आप एलिजिबल रहेंगे, कहीं भी जाएंगे आपका सीवी शॉर्टलिस्टेड हो जाएगा, कहीं भी इंटरव्यू जी दीजिएगा सर, बंदा आपको रख ले। क्योंकि वो पहले हुआ करते थे, पहले के मूवी में देखते थे कि सिफारिश लेटर मिला मिला करता था कि भाई सिफारिश हाँ लेटर है तो जॉब लग जाएगी। अब चीजें ना गवर्नमेंट में रह हाँ गई ना प्राइवेट में रह गई कि सिफारिश लेटर का सिस्टम खत्म हो गया। खत्म हो गया। ठीक है, हाँ सर, तो सिफारिश लेटर खत्म हो चुका है। अब नॉलेज के ऊपर डिपेंड करता है, इसलिए नॉलेज है तो सही है। मान लीजिए कि आपके पास किसी भी तरह से आपने जॉब ज्वाइन कर भी लिया, मान लीजिए किसी तरह से कर लिया, फिर काम कौन से करके देगा? सिफारिश लेटर आपको जॉब दिला सकता है ना, आपका काम हाँ करके तो नहीं सर, देगा ना हाँ क्या? हाँ काम तो हमें ही किसी के करना नाम, किसी पड़ेगा। किसी भी आप अपने चाहने वाले के नाम पे अगर आप जॉब ले लेते हैं इन्फ्लुएंस होके, तो काम वो आपका व्यक्ति आके नहीं करेगा, काम तो आपको करना पड़ेगा। ऑफिस में हाँ, बोलिएगा हमें किसी को तो करना मेरा पड़ेगा। काम कर दे, तो यहाँ तो स्कूल में कोई किसी का होमवर्क नहीं करता है, आपका ऑफिस वर्क कौन कर देगा हाँ क्या? तो सही है। देखिए, फिर भी आप अगर, मैंने Noki.com पे दिसंबर के आसपास, अक्टूबर नवंबर दिसंबर के आसपास के जो वैकेंसीज निकली है उनका मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले रखा है, आप देख सकते हैं किस तरह की जॉब मार्केट में मिल रही है। एक्सेल की नॉलेज को क्लियर, जी सर, अलग अलग कंपनीज के अलग अलग पैकेजेस हैं, अलग अलग लोकेशंस हैं, ये सारे वैकेंसी हाँ निकल रही है। अब ज्यादा और रिसर्च करना है तो Noki.com, Gunasta.com, Sign.com जैसे वेबसाइट पे जाइए, वहां पे आपको सर्च कीजिएगा तो बहुत सारे जॉब्स की चीजें मिल जाएगी। इसके अलावा मेरा मोबाइल ऐप के MIS ग्रुप में आप है ही, उस जो भी वैकेंसीज आएगी उस ग्रुप में हम डाला करते हैं, तो उसको कीपली देखा कीजिए। जी सर। ठीक है।